फिल्म के जेनो विरोध सतत थतो आवतो हतो। वीएचपी द्वारा पण तेनो सतत छे ते विरोध छे ते दर्शाववामां आव्यो हतो कपड़ाना कलर ने लईने। अने हवे जे समाचार प्राप्त थई रह्या छे के फिल्म पठान छे ते गुजरातना थिएटरोमां पण जे रिलीज थशे एवुं वीएचपी द्वारा निवेदन आपवामां आव्युं छे। तो कपड़ाना कलर बाबते आपणे वात करीए तो फेरफारो करवामां आव्या छे, 40 जेटला जे फेरफार करवामां आव्या छे अने ते हवे वीएचपी के कोईपण हिंदू संगठन विरोध नहीं करे तेवुं तेमणे जणाव्युं छे। तो फिल्म पठान गुजरातना पड़दा पर हवे झूमशे अने लोको पण फिल्म जोवा जाय तेवुं कहेवामां आव्युं छे। पोतानी विवेक बुद्धि वापरीने फिल्म जोवा जई शके छे तेवुं वीएसपी द्वारा कहेवामां आव्युं छे। कपड़ाना कलर मुद्दे अने साथे जे जे बोल्ड सीन हता तेना सहित 40 फेरफारो छे તે ફિલ્મમાં કરવામાં આવ્યા છે તેવું વીએસપી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। देखो ये विरोध फिल्मों का नहीं है लेकिन एक मानसिकता का विरोध है। आगे भी इतने कितने फिल्म आ गए जिसमें से किसी प्रकार के सीन लिया और उस पर चर्चा बन गई और इसके कारण उनको पिक्चरों को प्रमोशन मिलता है। तो इस तरह का जो ये व्यवहार है वो उचित है। इसके से राष्ट्र और समाज को बहुत नुकसान हो रहा है, हिंदुत्व को भी नुकसान हो रहा है। अभी जो पठान फिल्म जो रिलीज होने जा रही है उसका भी वही कारण है। इसके अंदर जो सीन दिया है वो सीन हिंदू समाज को असर करता है, लोगों को दुख होता है और ऐसे अश्लील जो चित्र है इसके कारण ये परिस्थिति बिगड़ी है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने उसका विरोध किया है और ये पिक्चर नहीं चलने देना ऐसा हमने तय किया था। लेकिन हमारी रजूआत के बाद सेंसर बोर्ड ने एक नया परिपत्र इश्यू किया है। इसमें उन्होंने कम से कम 40 जितनी गलतियां जो हुई थी वो उन्होंने सुधार करके एक नया ऑर्डर निकला है। वो आनंद की बात है, ये प्रजा हिंदू प्रजा का आनंद का विषय है और विजय का विषय भी है। इसके लिए हम सब लोगों को अभी कहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा अगर कोई इस तरह का फिल्म रिलीज हुए तो सबको उसका विरोध ही करना चाहिए। तो ये लोग ठीक तरह अपना काम करेंगे और हम लोग सब मिलकर ये अपने विजय को हम स्वीकारते हैं। लेकिन आम जनता को हम इतनी भी विनती करते हैं, ये पिक्चर देखना नहीं देखना ये आपकी बुद्धि शक्ति पर विचार रखता है, लेकिन ये अपना हिंदुत्व का विजय है और निर्माताओं को भी समझना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसी अगर फिल्म रिलीज करके प्रजा मानस को दुखी करना बंद करें, नहीं तो आगे भी इसके लिए कभी संघर्ष होता ही रहेगा। इस संघर्ष नहीं हो इसके लिए हम सबको विनती करते हैं और हिंदू प्रजा को फिर से अभिनंदन करके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी अभिनंदन देता हूँ। तो वीएसपी द्वारा जे निवेदन आपवामां आव्युं छे, जे तेमणे पण रजूआतो छे ते करी हती, बजरंग दल द्वारा पण जे सतत छे ते विरोध करवामां आवी रह्यो हतो अने जो फिल्म रिलीज थशे तो विरोध छे ते थिएટરના બહાર પણ કરવામાં આવશે તેવું પણ છે તે કહેવામાં આવ્યું હતું અને વિરોધ ઉગ્ર પણ બની શકે તેવો હતો, પરંતુ સેન્સર બોર્ડ દ્વારા જે મહત્વનો નિર્ણય છે ત્યારબાદ લેવામાં આવ્યો, જે રજૂઆતો છે તે કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ તેમણે પણ પરિપત્ર જે જાહેર કર્યું અને તેમણે પણ નોટિસ જે કરી જેમાં 40 જેટલા ફેરફારો છે તે કરવામાં આવ્યા છે। જે સૌથી પહેલાં જે વિવાદ જ્યાંથી શરૂ થયો હતો, જે ગીત રિલીઝ થયું હતું પઠાણ ફિલ્મનું, જે બેશરમ રંગ જે ફિલ્મ માનું જે ગીત છે જે સૌથી પહેલું સોંગ રિલીઝ થયું અને ત્યારબાદ આ વિવાદ છે તે શરૂ થયો, જેમાં ભગવા રંગને જે રીતે દર્શાવવામાં આવ્યો અને જેમાં જે બોલ્ડ સીન્સ હતા તેણે પણ હટાવવાની માંગ છે તે વીએસપી દ્વારા અને બજરંગ દળ દ્વારા તથા હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો હતો। અને હવે જ્યારે રજૂઆતો બાદ જે સેન્સર બોર્ડ દ્વારા પણ મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા અને તમામ સીન્સ જે 40 જેટલા ફેરફાર છે તેને લઈને કરવામાં આવ્યા છે। તો હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ, વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।